गाइस, तो इवेंट हो गया है एंड मैं अभी बैठी हूँ. बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके. आप लोग इतना प्यार इतना सपोर्ट करते हो. आई लव यू ऑल सो मच. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. वंस अगेन मैं हूं कोमल सोनी और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है. तो यहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया. प्राइमर आपके फाउंडेशन को इवन लुक देता है. एंड फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले स्पंज को थोड़ा सा गीला कर दीजिए. मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया है. थोड़ा सा आपको फाउंडेशन लेना है, पूरे फेस पर अप्लाई करना है इवनली और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है रोज़ वाटर से. एंड इस तरह से इवनली अप्लाई कर दीजिए. और अगर आप कंसीलर अवॉइड करना चाहते हो तो ये ट्रिक आपके लिए बेस्ट है. आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए. इसे आपके डार्क सर्कल हाइड हो जाएंगे एंड बहुत अच्छा लुक आएगा, क्योंकि कंसीलर से फोटोज़ थोड़े से अलग आते हैं. एंड यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई किया है. कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज़रूरी है, इससे आपका फाउंडेशन सेट हो जाता है इवनली एंड बहुत अच्छे से स्किन ऑब्जर्व कर लेता है. एंड यहाँ मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई किया है आईज़ के नीचे, ताकि जो हमारा पोर्शन है वो ब्लैक ना दिखे. एंड इस तरह से मैंने प्लेसेस पे अप्लाई कर दिया है. आप ज़रूर ट्राई कीजिए. एंड अब बहुत ज़्यादा लगाया, ताकि इसके दो फ़ायदे ही आपको आगे बताऊंगी मैं. एंड अब मैं आई शेडो अप्लाई करूंगी. और आपने देखा है ब्लैक स्मोकी आईज़ है, तो फिर इस तरह से मैं ब्लैक कलर पहले अप्लाई कर लूँगी. आपको इस एंड कॉर्नर से अप्लाई करना है. कभी भी फ्रंट से आप आई शेडो अप्लाई मत कीजिए. इस तरह से बैक साइड से अप्लाई करना है इसे. एंड इवनली इसे ब्लेंड करते हुए जाना है बहुत अच्छे से. एंड देन इस तरह से आप दो तीन तरह के ब्रशेज यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए. एंड ये मैंने शिमर पाउडर अप्लाई कर लिया, शिमर आई शेडो अप्लाई कर लिया है, जो कि गोल्डन कलर का है. आप चाहे तो सिल्वर कलर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी ड्रेस सिल्वर कलर की है तो. इस तरह से बहुत अच्छा लुक आता है. एंड देन यहाँ मैंने थोड़ी सी ब्लैक कलर की आउटलाइन बनाई है, ताकि अरिशफा खान वाला मेकअप लुक हमें परफेक्टली मिल जाए. इस तरह से आपको करना है. और आपके आईज़ की कटिंग बहुत अच्छी होगी, इससे बहुत अच्छा लुक आएगा. एंड मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है थोड़ा सा आईब्रोज़ के नीचे. मैंने सिल्वर कलर यूज़ किया है, जो कि सिल्वर आई शेडो यूज़ किया है. और मैं यहाँ पे आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी. आईब्रोज सेट करने के लिए मैंने वही सेम ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है. एंड इस तरह से मैं उसे फील कर दूँगी. एंड इससे आपका आईब्रो बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन यहाँ मैंने आईब्रो सेट नहीं करवाया हुआ है, इसलिए इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है. तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है. तो मैं लाइनर अप्लाई कर लूँगी. आईलाइनर बहुत इजीली और बहुत अच्छे से अप्लाई करना है आपको, बहुत हल्के हाथों से. एंड इवन आना चाहिए, वरना सबका अलग अलग आ जाता है. दोनों आईज़ का सारा मेकअप स्पॉइल हो जाता है. और जो भी डस्ट हुआ है उसे मैं रिमूव और एक्सेस लूज़ पाउडर को भी हटा दूंगी. और अब आपको अप्लाई करना है काजल, बहुत ही गहरा काला और बहुत ही जाड़ा काजल अप्लाई करना है आपको. एंड इस तरह से आप अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा लुक आएगा. एंड मैंने जो ब्लैक कलर का आई शेडो लगाया था, मैं सेम आई शेडो अपने स्मोकी आईज़ लुक देने के लिए, काजल को स्प्रेड करने के लिए मैं नीचे इस तरह अप्लाई कर रही हूँ. और यहाँ मैंने रूज़ अप्लाई कर लिया है ब्लश, जो कि उसने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया हुआ था, इसलिए मैंने भी इस तरह से बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है. एंड जब हम इसे कॉम्पैक्ट पाउडर वापस यूज़ करेंगे तो ये हल्का सा लाइट हो जाएगा. तो इस तरह आपको अप्लाई करना है. कटिंग देनी है साइड चीक्स. और अब मैंने यहाँ पे लूज़ पाउडर वापस से अप्लाई किया है एंड बहुत अच्छा लुक आएगा इसका. एंड अब मैं यहाँ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ. मैंने फिंगर्स यूज़ किए, क्योंकि फिंगर्स से बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है. तो आप भी ये ट्राई कीजिए. एंड इस तरह से नोज़ हाईलाइट कर दीजिए, आईज़ के इधर देख सकते हैं आप. और बहुत अच्छा लुक आता है इसका, बहुत अच्छा लगता है. हाइलाइटर मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है. और आप देख सकते हैं पूरा मेकअप ग्लोइंग सा हो गया है. एंड बहुत अच्छा लुक आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका. एंड अब लिपस्टिक अप्लाई करते हैं. मस्कारा अप्लाई किया वो मैं पहले भूल गई थी इसलिए. एंड अब लिपस्टिक अप्लाई करते हैं. लिपस्टिक के लिए सबसे पहले मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया, जो कि उससे क्या होता है आपके लिप्स जो क्रैकी लिप्स होते हैं वो हट जाते हैं. एंड बहुत अच्छा स्मूथ लिपस्टिक जो मिलना चाहिए बेस वो मिल जाता है.
तो सबसे पहले आप क्रीम लिपस्टिक यूज़ करेंगे, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक से होंठ एकदम से चिपक जाते हैं और बहुत क्रैकी क्रैकी लगते हैं। इससे आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैंने लिक्विड लिपस्टिक लगाई है और आप देखेंगे, आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मुझे बताइए कि आपको ये रिज़ल्ट कैसा लगा, आपको ये ट्रिक कैसी लगी, बहुत अच्छी लगेगी आपको। एंड अब मैं यहाँ पे एक बार वापस से लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, हल्का हल्का सा। एंड हमारा फेस मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आपको अप्लाई करना है, न गले को नहीं छोड़ना है, कान को नहीं छोड़ना है। एंड यहाँ मैंने मेकअप स्प्रे कर लिया, इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।